पर राजू भाई को मैं स्टार्ट और समझता हूँ। राजू भाई बोल रहे हैं अबे ऐसे तो बच्चे शेर बोलते हैं, मैं थूक देता हूँ तो तू चाट लेना अशोक भाई। अबे ये तारों का शेर छे, अबे जरा गाना बजाना कहीं ढंग सीखो, क्यों मरोज बिना काम से बेम हो तुम। पब्लिक कोई मान्यता करो वो चीज गाने की है। राजू भाई तुम तो अच्छा लोग थे, लिखेल पढ़ेल जी तू, हाँ कभी थारा जाने पढ़ी जातो नहीं तो तुम का हो जाए उंगलन नहीं दी तो पर हम अंगूठा चाप हुई को आप जितरो करो जो उतरो मारा वो खाली बल का कोशिश पर करो। बजाइए भाई हेलो
अभी भाईवान, अभी हमारा भाई राजू कलाकार, अभी तो नाना ने लेपन जाने शेर कहे तो कहेंगे मैं थूकता हूँ तो अशोक भाई तू चाट लेना, उनकी बात है। पहले अभी शेर होगी लेंगे कब यो बता लेंगे, अभी कहो तो आवाज दिल्ली में आता तू गाने की गाओ तो लगावा लगायो भोजाई पदावा हर काई को करतावा तुमका हस पुरगा न पांडव खान काने दाओ पांडव खान काने दाओ तू पांडव था दाव क्यों नहीं खाता दाव तुम तो पहले दिखाई गया तो काई कह दे दो कि अशोक भाई हाँ थूकूंगा तो चाटी रहेगा हाँ हमारी बात तो सुन क्योंकि पांडव खाना खाने दाओ तो अभी तक तुमने दाव नहीं खाया सबकी लुगाई का तारी गया वो भी बताओ आलो दाव नहीं खाया अभी वो भी बताऊंगा जरा रुक तू केंद्र थूकागा राजू आज हेलो तू केंद्र थूकागा राजू आज धूप हम चाटी ली तो क्योंकि थारा में धूप कम से बहुत अच्छे शून्य केतरा सब बटे सब जन छे अबे तू कल दिवाली की रात को सुत रहे पम से जसो फोड़ूंगा क्योंकि टोकर खेड़ का अशोक मित्र दम छे मरता हूं कि मरता हूं की बातों से छलक जाती है ये शेर के सामने तो साले मौत भी थर्राती है राजू तूने कायरता कायरता को भी लजाती साले तुझे मुझे कायर कहने में भी शर्म आती है राजू भाई तो काय हो आप अरे हम कमजोर आदमी अनपढ़ आदमी फिर भी मारी साथ में शंकर शंकर दास छे क्या बात है नाव मारो और मंगल दास छे अरे राजू भाई कहीं ना कहा तो छक्का छोड़ा दिया तो थारा सारी चौथड़िया की कहा यहाँ औकात छे अरे हमारा से टकराई गयो तो तू सुबह 10 बजे उठनो को नहीं अबे तू काई थुके चट्टाड़ो बेटा इस गति रे तो थारा पर कुत्तो भी उठनो को नहीं तो मांगो भाई काय कह के पांडव खाना खाने दाओ दाओ अरे दाओ काने तुमका सदा आना चाहिए सार और दार भाई मारो खपड़ो फिर तुम ओ हेलो हो तारे हमारे भाई और उनके ओर से हमें सभी भाइयों की ओर से 21-21 रुपए मिलते हैं उनका कहना कि अशोक भाई लहंगे सही बोलना आप सभी भाई बदल जाए ये तो जगह जैसे हो कभी गाँव तो नहीं गाँव तो लाइन से गाँव सब इन्हें मालूम से मारी तो मम्मू भाई हाँ भाई काय बात काय बात पांडव दाव खान का नहीं दाव अरे दाव काय तुम आप तुमको कहीं तभी शर्म आवे हाँ तो जब द्रौपदी का दूसरा पकड़ी न लायो पर कहाँ रे गमायो कहाँ बचा था ओपनी गली जब द्रौपदी का इनकी लुगाई का दुशासन आदि इसमें पकड़ी न लायो तो अपनी लुगाई का कोई पकड़ी ले तो हम ईमानदार दबला से मान रखो ये मुंडा कसा बैठी रहा यार मगर तो कहीं समझ में नहीं आता फिर काय बात तो जब द्रौपदी का दुशासन पकड़ी न लायो बड़े कहाँ रे गमायो बिकायो अरे तुम पांच लाडा हुई न तुम न माथो उठायो
ढोलकपाल के अरुण की ओर से हमें एक काम पर मित्रों का कहना है, जब द्रौपदी जय जोगी बाबा दरभा मंडल बावड़े वाले उनकी ओर से भी 31 रुपए मिलते हैं लहंगी के ऊपर, और उनका कहना है तो जय द्रौपदी का दुर्शासन पकड़ी लायो बड़े तहारे गमारो। अरे हमारे गोविंद भाई फुटला काल मुखी वाले उन्हीं की तरफ से भी 21 रुपए मिलते हैं, उनका कहना है कि क्या बात है यार। तो जब द्रौपदी पांच लाडा हुई न तुम न
जायो जायो बाल पकड़ी न जायो अरे दुर्योधन को साधन असा करी रया जायो बाल पकड़ी न जायो कानू भाई मानकर बावड़े उनके ओर से कहना है कि दुर्योधन को साधन असो करी रयो जायो बाल पकड़ी न जायो अरे भाई इतना पैसा काहे वाद है हमारे कोविड नहीं बुटला उनकी तरफ से काल मक्की वाले फिर देते हैं वो 1 रुपये और कहते क्या क्या चीज बोली यार बाल पकड़ी ने लाए असो गाओ बेटा राजू नन्नू भाई मोरे यही के निवासी उनका बेटा है राजू असो गाओ तुमने नहीं तुम्हारे पेट फूके पर तुमने खाया नहीं अभी तक आजू हाँ हमारे संतोष भाई उनके ओर से भी 50 रुपए मिलते हैं भंडन वाले उनका कहना है तो भरी से बामा दुर्योधन दुशासन असो करी रयो दायो बाल पकड़ी न लायो अरे तुम 5 लाडा हुए न तुम न जिसने कैसा जुल्म किया चौके से बने चारों धाम जहाँ राम ने रमन किया पंजे से बनी पंचवटी जहाँ राम ने गमन किया छक्के से पाली के छक्के छुड़ाए अंत में राम ने रावण को मार दिया सत्य श्री राम ने समुद्र पार किया अठे से आठों अवतार लेकर इस जमीन का भार दूर किया नहले से रावण को नहलाया दहलते रावण का दिल दहलाना अंत में राम ने रावण को रवाना कर दिया अरे गुलाम वही बन बैठा है राजू भाई जिसने गुलामी का काम किया गुलाम वही बन बैठा है जिसने गुलामी का काम किया अरे बेगम बन के झुक झुक पर तुमने सलाम किया बादशाह वही कहलाता है जलाल भाई बादशाह वही कहलाता है जिसने एक क्षेत्र का राज किया जोकर बन के दृश्य दिखाओ प्रभु तुमने सब पत्तों को मिल दिया तोवाल जी चेहरे उतर गए बुरे हाल हो गए क्या बात है ओ तुम्हें काठी माता न हो चेहरे उतर गए रान न हो नए पर लात करी धरी थी ना तो मुदिर उसी जाओ जाओ करो गाना दारिने के हाल का आवाज है नहीं यह बोले गंगा जी नहाना जाए रही ते के लिए कावेरी नहाई रही बनी बनी बनाई हर कोई गा लेता है बना की गाना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है ओका कयो की मत हिसाबा भिड़ी गई हूँ बनी बनाई हर कोई ही गा लेता है भाई हाँ कोई गलत चीज नहीं बोली हाँ तो जान पर लड़ी रही अच्छे आ रही जानी तुरी को तो बोलो ना हाँ मारा पापा ने अच्छी पैदा करी मखा तू भाई काज पनीर बनाई हर कोई ही गा लेता है बना के गाना मुश्किल है मुश्किल हाथ ठोक के तो हिजड़े भी कमा लेते हैं क्या बात कमा के खाना मुश्किल है मुश्किल है मैं गलत नहीं बोलूंगी सिर्फ माता बहनों के सामने मेरे बंधुओं के सामने गर्मी गा रही हूँ तो दोनों नासिरों से गुजारिश है मेरी दीदियों से मेरी मौसियों से कि मेरी गर्मी का जवाब लाए यहाँ पे मैं कोई गलत नहीं बोलूंगी ये गांव अच्छा है बस्ती अच्छी है हाँ आवाज खोल के थोड़ा आवाज खोल के थोड़ा कोरिया
तुम्हारे पाले रे 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 धुनी धार। ओ जात जे कि के वो बाय है कि की बात आए हावी बेटा जी हाउस ओ वो एले की डांसर मत समझ भागरो मत पकड़ा मारो हाउ ये तो बच्चा ना बना तेरे डांसर नहीं है कि तू 10 रुपए देकर ना घगरा भेज हां तो हाउ काय थारो भागरो छे भारो पालो रे रे धुनी धार। ओ पुरिया वो मारो पालो लड़ रे धुनी धार। ओ स्वामी का तरस नहीं आवत तरस नहीं आवत क्यों जीवन बालो जन्म दियो तुम्हारो बालो लड़ रे धुनी धार पर मारो स्वामी का तरस नहीं आवत। वो जवाब दीजो ठीक है की बात है हाँ सुबह तक भी बताओ ना की बात है वो यहाँ पर चाली लोग बैठे हैं इसका जवाब लाना कि मारो बालो लड़ रे धुनी धार। ओ सुजवा काठी का न हो बोलिए हो तरस नहीं आवे तरस नहीं आवे रे हो काय कहूंगा हो कहा मुंडो बताऊंगा रासा बाला का आंसू पड़ी पड़ी नहीं रहता जब हमारे 9 महीना गोदी में खिलाए वाह वाह।